आप देख रहे हैं दखल न्यूज। बड़ी मशक्कत के बाद राहुल गांधी ने भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। इसके लिए पिछली 11 तारीख से उधेड़बुन चल रही थी। हालांकि टीएस सिंहदेव इस पद के सबसे बड़े दावेदार थे। भूपेश बघेल सोमवार को शाम को शपथ लेंगे। 11 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में भारी बहुमत से चुनाव जीतने के बाद आज कांग्रेस ने अपने सीएम के नाम की घोषणा की। दिल्ली से रायपुर आए पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे और पीएल पुनिया ने विधायक दल की बैठक में भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया। राहुल गांधी द्वारा दिया गया लिफाफा विधायक दल की बैठक में खोला गया, जिसमें बघेल का नाम था। सोमवार शाम 5 बजे भूपेश बघेल का शपथ ग्रहण समारोह होगा। अभी सिर्फ सीएम शपथ लेंगे, मंत्रिमंडल का गठन बाद में किया जाएगा। भूपेश बघेल की बात करें तो छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेश बघेल को पार्टी की कमान बेहद संकट के दौर में सौंपी गई थी। सन 2013 का विधानसभा चुनाव बीत चुका था और पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा था। राज्य में एक बार फिर रमन सिंह की सरकार पदारूढ़ हो चुकी थी। यहाँ उल्लेखनीय है कि कांग्रेस 2013 के विधानसभा चुनाव में उस सिंपैथी को भी कैश नहीं करा पाई थी जो झीरम कांड के चलते उसे मिली थी। नक्सलियों ने झीरम घाटी में कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं की हत्या कर दी थी। इस कांड में 32 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इसके बाद भूपेश बघेल ने कमर कसी और राज्य में पदयात्राएं कर संगठन को नए सिरे से खड़ा करने का प्रयास शुरू किया। जल्दी उनकी छवि एक जुझारू तेवर वाले नेता के रूप में सामने आई। भाजपा सरकार में कई अधिकारी उन पर व्यक्तिगत हमले भी करते रहे, लेकिन भूपेश ने कभी हार नहीं मानी और जूझते रहे। उन्होंने पार्टी संगठन को एकजुट बनाए रखा और प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस की वापसी को पार्टी का संकल्प बना लिया। भूपेश की तेज तर्रार छवि कुछ ऐसी है कि उन्होंने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाले पदाधिकारियों तक को तत्काल कांग्रेस पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।